फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल। और आज का जो वीडियो है मैं बात करने वाला व्हाट्सअप के अंदर तीन नए फीचर्स के बारे में जो कि अभी अभी आए व्हाट्सअप के अंदर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तीन व्हाट्सअप के नए फीचर्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखने क्योंकि आपके ये बहुत ही फायदे और बहुत ही यूजफुल फीचर्स होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो वीडियो को कम्प्लीटली देखना, वॉच करना और लाइक करना वीडियो को। हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करना। चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेता हूँ व्हाट्सएप के तीन फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स नॉर्मली तो अगर ये वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप के तीन फीचर्स आपके व्हाट्सएप के अंदर नहीं देखने को मिले तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आप क्या करें कीजिएगा कि आपको अपना व्हाट्सएप को मतलब अपडेट कर लेना है। प्ले स्टोर में जाके अपडेट मिला होगा तो वो अपडेट कर लेनी है, उसके बाद चेक करना आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के तीन जो फीचर्स मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो पहला नंबर फीचर्स है फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि स्टेटस, आप जानते हैं स्टेटस व्हाट्सएप के अंदर एक स्टेटस फीचर्स रहता है जिसमें आप अपने फोटो हो या वीडियो हो को लगा सकते हैं स्टेटस में। तो वो नॉर्मली से अब आप अपने स्टेटस को लगाने के बाद शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे। तो कैसे शेयर करें वो दिखाता हूँ, चलिए मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद स्टेटस में जाना है। स्टेटस में जाने के बाद कोई भी स्टेटस लगा देना है। नॉर्मली से मैं आपको दिखाने के लिए एक छोटे से मतलब स्टेटस को लगा देता हूँ। एक मिनट, कोई भी IMGO को सेट करके सेंड कर देता हूँ। इस तरह से कुछ भी लगा दीजिए, भले वीडियो हो या फोटो। उसके बाद आपको नॉर्मल से जैसे ही पोस्ट होगा उसके बाद आपको शेयर टू फेसबुक स्टोरीज में आपको ऑप्शन देखेगा। तो वहाँ से जब भी आप शेयर को ऑप्शन टू को टच करेंगे तो उसके बाद फ्रेंड्स नॉर्मल से बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ से आपकी शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस को दूसरे जगह पर। नंबर जो फीचर्स है, दूसरा नंबर फीचर्स भी बहुत ही कमाल का फीचर्स है क्योंकि ये इस फीचर्स को मतलब बहुत ही दिनों से सबको ही वेट कर रहा था। नॉर्मली से ये जो फीचर्स है फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट्स का फीचर्स है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही दिनों से सभी को यूजर्स वेट कर रहा था और फाइनली अब जो है व्हाट्सएप के अंदर देखने को मिल गया। तो इस फीचर्स में आपको क्या करना है कि नॉर्मली से मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ कि कहाँ से मतलब इस फिंगरप्रिंट्स फीचर्स को इनेबल करना है और कैसे इनेबल करना है। तो चलिए दिखाता हूँ सारा प्रोसेस को। तो फ्रेंड्स इस वाले फीचर्स को सबसे पहले इनेबल करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको ऊपर में आपको तीन डॉट दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो तीन डॉट को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग के ऑप्शन के बाद जाने के बाद अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाना है सबसे पहले में, और उसके बाद प्राइवेसी के ऑप्शन में, और इसको स्लाइड करके नीचे कीजिएगा तो आपको एक फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन दिखेगा जो कि डिसेबल है। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर टच करना है और अपना बैक साइड जो फिंगरप्रिंट आपके मोबाइल में है उसे टच करना है। तो टच करने के बाद ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि इमेजिटी चाहिए ये एक मिनट आफ्टर। तो वहाँ से सेटिंग करने के बाद आप जब भी बैक होंगे या स्क्रीन को लॉक करेंगे तो यहाँ से आपको स्क्रीन लॉक इनेबल हो जाएगा। तीसरा नंबर जो फीचर्स है ये बहुत ही धांसू फीचर्स है क्योंकि इसमें फ्रेंड्स आप जो है क्योंकि कोई भी किसी का भी व्हाट्सएप के अंदर जो अपना जो जितना सारा चैटिंग है वो एक्सपोर्ट मतलब अपने मतलब जितना सारा चैटिंग है उसको अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के अंदर ही शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे किसी को भी। तो कैसे करें और किस टाइप से करें मैं आपको इसको मोबाइल स्क्रीन पर ले जा कर दिखाता हूँ ताकि आप लोग को इजीली से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स इस वाले फीचर्स को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिर से व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद जिसका भी आपको मतलब चैटिंग का शेयर करना है उस वाले उसका प्रोफाइल पे जाना है, और उसके बाद तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट चैट से एक ऑप्शन मिलेगा उसको को टच करना है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे कि विदाउट मीडिया और इंक्लूड मीडिया, मतलब आपको फोटो के साथ शेयर करना है कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेज को शेयर करना है। तो ये वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, और जिसको भी सेंड करना है उसको सेंड कर देना। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि आप जितने भी मतलब चैटिंग है सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, और ये एक इनक्रिप्ट मतलब कि इनक्रिप्ट फाइल में जाएगा। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है कि दिखाता हूँ नॉर्मली से आपको वो भी कि कैसे आप इस मैसेज को देख पाएंगे। नॉर्मल से इसको डायरेक्टली आप देख नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स नॉर्मली से एक मिनट। और इस जैसे कि यहाँ से मैं डाउनलोड करके रखा हूँ एक मिनट, जैसे कि ये टैक्स का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पर आप जब भी टच करेंगे तो इस टाइप से ऑप्शन आएगा, और यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आएगा जो मतलब टैक्स को पढ़ सकता है। तो इस तरह आप चैटिंग को सारा पढ़ सकते हैं, और अगर फ़ोटो वोटो सेंड किया हो तो फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे किया मैंने, और आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप भी आसानी से कर सकते हैं इस टाइप से।
फ्रेंड्स, ये जो तीन फीचर्स है आई एम श्योर कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ, और कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए। और कुछ भी नया टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।